योगी पर दबाव बनाने की कोशिश, फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश, संजय राउत ने कैसे लगाया आरोप, बीजेपी के लिए विपक्ष को इतनी बड़ी चिंता क्यों, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यूपी से मिली कम सीटों पर अब सियासत फुल मोड में हो चुकी है, विपक्ष इस बार बीजेपी को तोड़ने के लिए भरसक प्रयास करने में जुटा हुआ है, क्योंकि इस बार बहुमत ना मिलने के बाद बीजेपी और उसके समर्थकों का इम्तिहान होना है कि क्या वो इस बुरे वक्त में भी एकजुट हैं, क्योंकि केजरीवाल ने जिस हिसाब से योगी और मोदी को लेकर नैरेटिव फैलाया उसका ही कारण है बीजेपी के सपोर्टरों को भी भारी कंफ्यूजन हो गया। यूपी में मिली जबरदस्त टकराव के कारण सपा बाजी मारने में कामयाब हो गई तो अब विपक्ष बीजेपी की खूब खिल्ली उड़ा रहा है। महाराष्ट्र में भी स्थिति कुछ इस कदर ही रही, जिस कारण ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी और हार की जिम्मेदारी खुद ले ली। इस कदम पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की चाल है। उन्होंने यह भी दावा किया कि नई एनडीए सरकार के दिन गिने चुने रह गए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट की माने तो शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, नरेंद्र मोदी को शपथ लेने दीजिए, हम मिठाई बांटने का सुझाव देंगे, यह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। उन्होंने आगे कहा, फैसला उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में था, दोनों की पार्टियां विभाजित हो गई थी, उनके नाम और चुनाव चिन्ह बागियों को दिए गए थे। सुनिए, देखिए ऐसी नौटंकी राजनीति में होती है। आपके साथी मोदी जी भी इस प्रकार की नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भागते हैं, कभी बैठते हैं, उनके चेले हैं ये सब। महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप को नकारा है। आपने यहाँ तक कह दिया और फडणवीस के सहारे मेरा एक जवाब पूरा हुआ। और ये बात ऐसी है कि महाराष्ट्र के राजनीति के विलन अगर कोई होगे तो देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की दुर्गति हुई। जिस प्रकार से बदले की राजनीति, छल कपट की राजनीति इस राज्य में, महाराष्ट्र एक सभ्यता और संस्कार की राजनीति करने वाला राज्य हमेशा रहा, लेकिन उसमें जहर मिलाने का काम अगर किसी ने किया होगा वो देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है और उसकी कीमतें चुका रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में 25 लोकसभा सीटों में से 23 पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई, तो दूसरी तरफ शिवसेना ने भी 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं इस बार बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को जबरदस्त टकराव देखने को मिला। हालांकि उत्तर प्रदेश में लेकर विपक्ष तमाम तरीके से भरसक कोशिश में है कि किसी तरीके से वो यूपी और बीजेपी के अंदर लड़ाई लड़वा दे, ताकि उनके दोनों समर्थकों में भारी कंफ्यूजन हो जाए और वे एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की अमर ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।